अंकल हम दिए बेच रहे हैं मगर कोई खरीद नहीं रहा, जब बिक जाएंगे तो हट जाएंगे। पुलिस वालों के सवाल पर बच्चों ने बड़ी मासूमियत से जवाब दिया। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो को अगर आपने पूरा देख लिया तो आपका मन पसीज जाएगा। दोस्तों आमतौर पर पुलिस को लेकर लोगों की राय बहुत अच्छी नहीं रहती है। अगर बात यूपी पुलिस की हो तो पिछले कुछ महीनों की घटनाएं सोचकर और पुख्ता कर देती है, लेकिन यूपी के अमरोह में एक ऐसा वाक्य सामने आया है कि पुलिस वालों को सल्यूट करने का मन करेगा। इस वाक्य से जुड़ी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। इन तस्वीरों में छोटे छोटे बच्चे बैठकर मिट्टी के दिए बेचते हुए दिखाई दे रहे हैं, वहीं उनके सामने पुलिस वाले खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं और ये पोस्ट सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा वायरल हो रही है। एक यूजर ने अपनी पोस्ट में लिखा, दिवाली का बाजार सजा है, तभी पुलिस वालों का एक दस्ता बाजार का मुआयना करने पहुंचता है। कस्मदीद का कहना है कि दस्ते में शायद नगली थाना के थाना अध्यक्ष नीरज कुमार थे। दुकानदारों को दुकानें लाइन में लगाने का निर्देश दे रहे थे, तभी उनकी नजर इन दो बच्चों पर गई जो जमीन पर बैठे कस्टमर का इंतजार कर रहे थे। चश्मदीद का कहना है कि मुझे लगा अब इन बच्चों को यहाँ से हटा दिया जाएगा, बेचारों के दिए बिके नहीं अब हटा भी दिए जाएंगे रास्ते में जो बैठे हैं। देखते ही देखते थाना अध्यक्ष बच्चों के पास पहुँचे, उनका नाम पूछा, पिता के बारे में पूछा। बच्चों ने बेहद मासूमियत से कहा, हम दिए बेच रहे हैं मगर कोई खरीद नहीं रहा, जब दिए बिक जाएंगे तो हट जाएंगे। अंकल बहुत देर से बैठे हैं मगर दिए बिक नहीं रहे, हम गरीब हैं दिवाली कैसे मनाएंगे। चश्मदीद का कहना है, बच्चों की उस वक्त जो हालत थी बयां करने के लिए लफ्ज नहीं है, मासूम है, उन्हें बस चंद पैसों की चाह थी ताकि शाम को दिवाली मना सकें। नीरज कुमार ने बच्चों से कहा, दिए कितने के हैं मुझे खरीदने हैं। थाना अध्यक्ष नीरज ने दिए खरीदे, इसके बाद क्या था, बाकी सभी पुलिस वालों ने भी दिए खरीदना शुरू कर दिए, लेकिन खरीदार कम थे और दिए बहुत ज्यादा थे। फिर क्या था, थाना अध्यक्ष बच्चों की साइड में खड़े हो गए और बाजार में आने जाने वाले लोगों से दिया खरीदने के लिए अपील करने लगे। बच्चों के दिए और पुरवे कुछ ही देर में सारे बिक गए। जैसे जैसे दिए बिकते जा रहे थे बच्चों की खुशी का ठिकाना नहीं था। जब सारा सामान बिक गया तब थाना अध्यक्ष और बाकी पुलिस वालों ने भी अपनी तरफ से तोहफे के रूप में बच्चों को कुछ पैसे दिए। पुलिस वालों की एक छोटी सी कोशिश से बच्चों की दिवाली हैप्पी हो गई। घर जाकर कितने खुश होंगे वो बच्चे आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। मुझे लगता है बच्चों को भीख देने से बेहतर है अगर वो कुछ बेच रहे हैं तो उनसे कुछ खरीदा जाए ताकि वो भिखारी ना बन जाएं या किसी अपराध की तरफ रुख ना कर बैठें। उनमें इस तरह मेहनत करके कमाने का जज्बा पैदा हो सकेगा। गरीबी खत्म करने में सरकारें तो नाकाम हो रही हैं, मगर हमारी और तुम्हारी एक छोटी सी कोशिश किसी की परेशानी को हल कर सकती है दोस्तों। तो दोस्तों अब आप क्या कहना चाहते हैं इन पुलिस वालों के बारे में जिन्होंने इन गरीब बच्चों की दिवाली हैप्पी बना दी। आपके एक कमेंट और एक लाइक का इंतजार रहेगा वेब वर्क और वेब वर्क वर्ल्ड की पूरी टीम को। फिर मिलते हैं किसी नए अपडेट में, तब तक के लिए दे दीजिए इजाजत। जय हिंद जय भारत।